बताऊंगा कि करेले में किस प्रकार से धागा बंधाई करते हैं। और ये देखिए इसमें ना 12 mm की ड्रिप है, आओ नीचे तो केन लगाना जरूरी होता है और करेले लगाया हूँ। तो धागा बांधने का काम रहता है कि किसान भाई की बहुत लोगों को तो परेशानी होती है धागा बांधने में कि कैसे बांधें, तो बहुत इस प्रकार से बांधें किसान भाई के इस प्रकार से हाथ को ले जाएँ, फिर ऐसे करें और फिर ऐसे खींचें, फिर एक बार इसको फिर ले जाएँ, फिर इस प्रकार खींचें ऐसे करें, फिर इसको टाइट कर दें ऐसे खींच कर ऊपर। मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, पकड़ने के लिए कोई नहीं है, तो भी इस प्रकार टाइट करें फिर ले जाएँ ऊपर। और ये देखिए ऊपर में GI तार है, फिर इसको ऐसे ले जाएं, ऐसे ऐसे इधर से, फिर इसको ऐसे करें, फिर एक बार फिर इसको ऐसे करें, फिर खींच दें इस प्रकार, फिर इस प्रकार इसको नीचे ले आएँ ऐसे करते करते नीचे नीचे। फिर दिखाता हूँ मैं एक बार आपको इस प्रकार ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसको टाइट कर दें इस प्रकार। इस प्रकार से बांधेंगे तो बहुत तेज़ी से बांध सकते हैं, धागे लगा सकते हैं बहुत आसानी से। तो किसान भाइयों, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, एक करेला लगाया हूँ, इसमें अभी तक कोई खाद ही नहीं चलाया हूँ। ये देखिए इसको ना डिस्पोजर में नर्सरी किया था, और उधर है हल्का बढ़ा है उसको अब ट्रे में किया था, प्रो ट्रे में, तो डिस्पोजर वाला ज़्यादा ग्रोथ किया। और पौधे से पौधे की दूरी है 1 फीट और बेड से बेड की दूरी 3.5 फीट किसान भाइयों। और जो एक केन है और एक ठो ऊपर वाली केन है, ऊपर वाली केन में तार का है, तो इसके 8 फीट में लगाया हूँ मैं।